हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज भी इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर से किलोग्राम। फ्रेंड्स, मैं ये मेरा मकसद है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अच्छे से क्लियरली से। तो जो ये कन्वर्ट करते हैं किस लिए करते हैं, सपोज कीजिए आपका कोई ये प्लिंथ बीम या फिर स्लैब है या फिर आपका कुछ भी हो सकता है आरसीसी स्ट्रक्चर जिसमें आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, इसमें आपका सरिया प्रोवाइड हो रहा है इस बीम में, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसने बाबा सब्सक्राइब हमारे ही सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि हमें स्टील इसमें से अलग निकालना है, क्वांटिटी स्टील क्वांटिटी अलग निकालनी है और एनफोर्समेंट की अलग। तो कितना हमारा इसमें सरिया लगा हुआ है, कितनी वॉल्यूम कंक्रीट की है, कितना वॉल्यूम आपकी इसमें स्टील की वॉल्यूम है, तो अलग अलग वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो हमारे पास कंक्रीट की जो वॉल्यूम है विद स्टील के साथ है, अपने जब बीम निकालते हैं विद स्टील के साथ है, तो इसको हमें क्या करते हैं कंक्रीट की वॉल्यूम अलग निकाल लेते हैं और स्टील की वॉल्यूम अलग निकाल देते हैं। वो कैसे होगा, जब आपको स्टील की वॉल्यूम पता होगा, ठीक है, वो हम अच्छे से फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो हमारे पास स्टील की जो वॉल्यूम आपने निकाली साइड पे मेजर में करी आपने किलोग्राम में निकाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस चैनल पर आपको 100% थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती रहेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इस बेस पर आपको सभी निकालना है आरसीसी स्ट्रक्चर में, कॉलम बीम स्लैब फुटिंग एवरीथिंग। हमारे पास अब सब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं प्लिंथ बीम का। हमारे पास एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 मीटर बाय 2 मीटर है, 3 मीटर अंदर से अंदर है, और प्लिंथ बीम का चौड़ाई जो है 2.23 चौड़ाई हो गई और डेप्थ 0.30 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है, हमारे पास बीम दो बराबर है, तो बीम वन हमने क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक बी वन हो गया, ठीक है, और बी टू आपकी हो गई आउटर से आउटर, क्लियर। तो मैं इसको आउटर क्लियर बी टू ले लेता हूँ और बी वन अंदर से अंदर। तो अब निकालने के लिए लेंथ हमारे पास 2 मीटर, आपके ड्राइंग में लिखा होगा 2000 मिलीमीटर, चौड़ाई आपके पास है 0.23, आपके पास बी वन है, ये वाली बी वन है, ये भी बी वन है क्योंकि दोनों बराबर है, तो बी वन हो गया। तो 0.23 इसकी चौड़ाई हमारे पास बीम की 0.23 या फिर 230 मिलीमीटर में। अब देखते हैं डेप्थ आपके पास क्या है, 300 मिलीमीटर, तो 300 मिलीमीटर इसकी आपकी जैसे क्रॉस सेक्शन आप इसको ऐसे निकालेंगे एक्स एक्स को, तो आपके पास ये बीम आ गई, ठीक है, ये आपकी जो बीम की डेप्थ है 300, क्लियर, और चढ़े आपके पास 200, ये आपकी 230, ठीक है, तो आपका क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। अब निकालते हैं बीम टू कैसे निकालेंगे, 3 मीटर आपके पास इनर से इनर है, आउटर से आउटर निकालने के लिए जब तो आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे कॉन्क्रीट की, तो 0.23 आपके पास चौड़ाई ये प्लस हो जाएगी और 0.23 ये प्लस, तो कितना होगा 3.76 मीटर, क्लियर। तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 34460 मिलीमीटर कन्वर्ट आएगा। अब निकाल ले चौड़ाई सेम है, दोनों की चौड़ाई सेम है 0.23 मीटर और डेप्थ है आपके पास 0.30 मीटर, mm में क्या चाहते हैं तो mm में ये रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट देख लेते हैं क्या आई बीम में विद रेनफोर्समेंट। तो आपके पास है बी वन प्लस बी टू, वॉल्यूम ऑफ बी वन की और वॉल्यूम ऑफ बी टू की, तो क्या करेंगे 2 लंबाई गुना चौड़ाई गुना डेप्थ, लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, तो दोनों गुना कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी 0.138 मीटर क्यूब बी वन की, ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम बी वन की आ गई। ऐसे ही आप करते हैं बी टू की, तो 3.46 × 0.23 × 6, तो ये आ गई 0.23 मीटर क्यूब, ये तो आ गई आपके पास वॉल्यूम, इसको गुना करेंगे 2 से, ये आपने निकाली वन की, ये इसकी वन की निकल गई, इसकी वन की ले गई, तो आपके पास 2 बीम है 1 एंड 2 और 1 एंड 2, 2 बीम है आपके पास, तो गुना कर देंगे तो आपके पास आ जाती है वॉल्यूम 0.376 × 2 इक्वल टू 0.752 मीटर क्यूब। ये आपके पास आ गई टोटल कॉन्क्रीट विद कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्समेंट की वॉल्यूम आ गई बीम की, क्लियर, ये तो आपके पास वॉल्यूम आ गई बीम की, ठीक है। तो आपने अब निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अब ये वॉल्यूम आ गई आपकी टोटल प्लिंथ बीम की वॉल्यूम विद रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अब निकालना हमें इसमें क्वांटिटी ऑफ स्टील की, तो वो आप ड्राॅइंग से निकाल लेंगे, तो ड्राॅइंग से नहीं निकाल सकते हो, तो मैंने ड्राॅइंग से निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास वॉल्यूम वो वेट आ जाएगा स्टील का, एग्जैक्ट वेट स्टील का आएगा। अगर आप एग्जैक्ट नहीं निकालना चाहते, रिक्वायरमेंट चाहते हैं रफली रिक्वायरमेंट, तो वो कैसे निकालते हैं,
तो रफली निकालने के लिए आपको चाहिए 0.752 आपके पास मीटर क्यूब है कंक्रीट का प्लिन बीम में, उसका जो प्लिन बीम का है उसका जो परसेंटेज होता है 2.5 बीम के अंदर, जो बीम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2.5% होता है कंक्रीट का, कंक्रीट वॉल्यूम का बीम के अंदर, ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में बीम में कॉलम में आपकी स्लैब में डिफरेंट डिफरेंट और फुटिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें कितना परसेंट स्टील मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेस पे आप रफली रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं स्टील की, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 2.5 और डिवाइड बाई 100 इंटू 785 ये आपके पास आ गया किलोग्राम में, ये रिक्वायरमेंट है केजी में, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेज आ जाएगी 0.752 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, जो स्टील निकालते हैं हम केजी में निकालते हैं तो केजी में आएगा, तो 2.5 डिवाइड बाई 100 तो ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये आपकी क्या है परसेंटेज ऑफ स्टील वॉल्यूम के अंदर। तो ये आपकी परसेंट 2.5 डिवाइड बाई 100, वेट कितना होता है स्टील के अंदर 7850 किलोग्राम, ये आपका वेट हो गया। ये आपका कितना निकला 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर परसेंटेज निकल जाएगी स्टील की। अब हमारे पास वॉल्यूम कितनी है कॉन्क्रीट की 0.752, तो इससे गुना कर देंगे सिंपल आपका परसेंटेज इंटू 0.752 मीटर क्यूब, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगी किलोग्राम में आपके पास कितना स्टील लगा आपका इतना केजी मिनिमम लगना चाहिए आपका स्टिरअप्स प्लस आपका लॉन्ग न्यूट्रल रिस्पोर्समेंट, तो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आपका लगना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ये तो जो वॉल्यूम निकाली मैंने परसेंट से निकाली है, जो आप किलोग्राम निकालेंगे वो एज पर ड्राइंग निकालेंगे, आपके पास निकल के भी आओगे एस्टिमेट बनाया होगा आपने, एस्टिमेट बनाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट जैसे निकालते हैं तो उस पे बेस पे एक्यूरेट निकल के आ जाती है वॉल्यूम कंक्रीट वो स्टील की कंक्रीट, ठीक है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है नेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, तो अब क्या करना है आपको कंक्रीट की वॉल्यूम अलग करना है स्टील की वॉल्यूम अलग, तो कैसे करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपके पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लिंथ बीम की, माइनस कर देते हैं स्टील की वॉल्यूम तो आपके पास आ जाएगी कंक्रीट की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पीसीसी कितना है और प्लिंथ बीम की कंक्रीट कितना है 0.752 मीटर क्यूब आपने निकाला था, पॉइंट इतना मीटर क्यूब, स्टील की वॉल्यूम 0.0188 मीटर क्यूब। वो कैसे निकालते हैं देखिए, हमारे पास है स्टील की वॉल्यूम 7850 किलोग्राम होता है एक मीटर क्यूब में, जो बिकॉज ये आपकी डेंसिटी ऑफ स्टील, क्लियर, ये आपकी डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम होता है एक मीटर क्यूब में। तो 1 kg हमारे पास यहाँ से निकालेंगे, ये 5 क्लास का ही सवाल है, तो 1 kg में होंगे पास 1 डिवाइड बाई 7850, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम में कितना वॉल्यूम आएगी, इतना वॉल्यूम हमारे पास कितना स्टील है 147.58 kg, यहाँ से आपने निकाला था 147.58, तो 147.58 किलोग्राम आपके पास है किलोग्राम में। अब सिंपल क्या करेंगे मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालेंगे, तो 0.00127388 आपके पास है वॉल्यूम मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम के लिए, और आपके पास स्टील कितना है 147.58, तो दोनों को हम गुणा करते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है 0.0188 मीटर क्यूब, क्लियर, तो आपके पास मीटर क्यूब में आ गई। तो सिंपल अब आप क्या करेंगे, तो वही वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे आई है, स्टील की वॉल्यूम आ गई तो माइनस कर देंगे तो 0.732 मीटर क्यूब आ जाएगी आपके पास, एग्जैक्ट वॉल्यूम आएगी आपके पास कंक्रीट की, क्लियर। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ में स्ट्रक्चर में निकाल सकते हैं, प्लिंथ बीम में स्ट्रक्चर में आपके कॉलम में स्लैब में किसी भी स्ट्रक्चर में आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कितने आई, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।